उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि जिसे हाइपरटेंशन भी हम लोग कहते हैं, आम भाषा में इसे बीपी का नाम दिया जाता है, एक बहुत ही गंभीर और भयंकर बीमारी होती है। इस बीमारी में अगर सही समय पर मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिले तो फिर जो है हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज वगैरह भी हो सकते हैं। इसलिए जब भी आपको बीपी की समस्या हो, जब भी आपको लगे कि आप बीपी के पेशेंट हो रहे हैं, तभी अगर आप अपना घरेलू उपचार शुरू कर दें तो फिर जो है आपको काफी हद तक डॉक्टर के यहाँ जाने से राहत मिल सकती है। क्योंकि रक्तचाप वो बीमारी होती है कि जिसमें अगर एक बार हमने दवाइयां खानी शुरू कर दी तो फिर हमें लाइफ टाइम दवाइयां खानी ही पड़ती हैं। तो क्यों ना हाई बीपी को घर पर ही कुछ इस तरीके से क्योर किया जाए जिससे कि जो है वो गंभीर रूप धारण ना कर सके। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप हाई बीपी से परेशान हैं रेमेडीज के बावजूद, तो आप डॉक्टर के यहाँ जाने में देर मत करिए। इसका सबसे पहला जो रीजन होता है वो होता है बॉडी की एक्टिविटीज में कमी होना, जैसे मोटापा होता है, तनाव होता है, खाने पीने में हम लापरवाही करते हैं, बहुत तरह की जीन्स से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, अनुवांशिक बीमारियां हमें होती हैं, या फिर स्मोकिंग, नशा करना, इस तरह की चीजें जो होती हैं वो हाई बीपी का रीजन होती हैं। तो हाई बीपी के लिए सबसे पहला जो है जो रेमेडी मैं लेकर आई हूँ वो है लहसुन को लेकर। आज की वीडियो में दोस्तों आपको एक नहीं बल्कि कई सारी रेमेडीज मिलने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं रेमेडी लेकर आई हूँ वो है लहसुन को लेकर। हमारे जो हाई बीपी की समस्या होती है उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम होता है हमारे ब्लड का गाढ़ा होना। गाढ़ा होने से उसका प्रवाह धीमा हो जाता है जिससे नसों और धमनियों पर दबाव पड़ता है। लहसुन में बहुत ज्यादा ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जैसे कि सेलेनियम, विटामिन सी और एलिसिन होते हैं, जो कि हमारे ब्लड को पतला करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। लहसुन जो है बहुत ही प्रभावशाली होता है, इसलिए आपको करना ये है कि लहसुन की कलियां लेनी है। अगर लहसुन इस तरह से स्प्राउटेड वाला है यानी कि अंकुरित हो गया है तो सोने पे सुहागा जैसी बात है। अंकुरित लहसुन को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए दोस्तों, ये हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। आप इसे हर तरह की बीमारी में लेकर अपना अलग अलग तरीके से इलाज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर चार कलियां ली हैं, हम इसे बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। छिलका उतार कर इस कुछ इस तरीके से एकदम बारीक चॉप कर लें, या फिर आप लहसुन को कूट कर भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसका पेस्ट बनाकर भी यूज कर सकते हैं। जैसे चाहें आप लहसुन का यूज वैसे कर सकते हैं। सुबह आपको खाली पेट लहसुन को चबा चबा कर खाना है। इसके ऊपर से आप जो है गर्म पानी पी सकते हैं, गुनगुना पानी पी सकते हैं। लहसुन का जो मैंने ये दो पार्ट किया यानी कि एक बार में दो कली सफिशियंट है। सुबह आपको खाली पेट लेनी है, आप इसे चबा कर खा सकते हैं या फिर निगल कर खा सकते हैं, पानी से ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये हाई बीपी में बहुत ही कारगर दवा होती है, इसे आप रेगुलर बेस पर कर सकते हैं। लहसुन जो है आपके वेट लॉस को भी कम करता है, साथ ही अगर डायबिटीज के पेशेंट है तो भी लहसुन बहुत हेल्प करेगा। अब आते हैं दोस्तों अपनी दूसरी रेमेडी के ऊपर। दूसरी रेमेडी जो है वो भी बहुत ही सिंपल है। इसमें हम सबसे पहले लेंगे एक चम्मच खसखस के बीज, जिसे कि पॉपी सीड्स या कि पोस्ता दाना भी बोलते हैं। खसखस अक्सर हमारे किचन में अवेलेबल होता है, नहीं होता है तो आप ग्रोसरी की शॉप पर आराम से ले सकते हैं। दूसरी साइड मैंने सेम क्वांटिटी में लिया है तरबूजे के बीज यानी कि वाटरमेलन के सीड्स। दोनों को हमें क्या करना है, दोनों को हमें सेम क्वांटिटी में लेकर मिक्सी में इसका पाउडर बनाकर रख लेना है। दोनों चीजों को आप साथ में पीस सकते हैं या फिर अलग अलग पीस कर साथ में मिक्स भी कर सकते हैं। और डेली खाली पेट एक चम्मच आपकी इसकी पानी के साथ लेना है। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो एक चम्मच ये पाउडर आपको खाना है, इसके साथ ही आपको इसके ऊपर से पानी पी जाना है। ये जो है हाई बीपी से आपको बहुत ज्यादा क्योर करेगा। हाई बीपी में जो भी समस्या है वो इन दोनों चीजों से आप एक बार जो प्राइमरी क्योर होती है हमारी बीमारी की, वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसे भी आपको डेली बेसिस पे करना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपनी तीसरी रेमेडी की तरफ। तीसरी रेमेडी के लिए बहुत ही सिंपल एफर्ट लगाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। हमें लेना है हल्का सा गुनगुना पानी। गुनगुना पानी के लिए हम लेंगे आधा गिलास पानी, बहुत ज्यादा पानी नहीं लेना है, गिलास को पूरा भरना नहीं है, आधा गिलास ही हमने पानी लिया है। अब इस आधा गिलास पानी में हम क्या करेंगे, आधा नींबू लेंगे। जी हाँ, आधा नींबू लेंगे और आधे नींबू को पूरा इसमें निचोड़ देंगे। और इस तरह से ये जो नींबू पानी होगा इसे हमें लेना है दो दो घंटे के अंतर पर। नींबू से बीज निकाल कर अलग कर दे रही हूँ, तो इस तरह से जो है नींबू का पूरा रस मैं निचोड़ दूंगी। और ये जो नींबू पानी होता है, गुनगुने पानी में जो हम नींबू डालते हैं दोस्तों, ये जो है हमें पीना है दो दो घंटे के डिफरेंस पर। अगर आपके घर में कोई बीपी पेशेंट है जिनका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा हुआ रह रहा है, तो हर दो घंटे पर आप उन्हें इस तरह से नींबू पानी बनाकर पीने को दीजिए। फिर आप देखेंगे कि उनके बीपी में बहुत ज्यादा सुधार हो रहा है, ब्लड प्रेशर का जो लेवल है वो आराम से जो है डिक्रीज हो रहा है, उन्हें भी काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। तो ये उपाय जरूर एक बार आप करके देखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपनी चौथी रेमेडी की तरफ।
जब भी कभी आपके घर में किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो उस टाइम पर आपको लेना है आधा गिलास गर्म पानी। जी हाँ, यहाँ पर मैंने गर्म नहीं, सिंपल गुनगुना पानी लिया है। आधे गिलास गुनगुने पानी में छोटे चम्मच से आधा चम्मच मैंने लिया है ब्लैक पेपर का पाउडर, यानी कि काली मिर्च का पाउडर। हर किचन में अवेलेबल होता है, बहुत ही रेमेडी में, बहुत सारी रेमेडीज में काली मिर्च का पाउडर काम आता है। यहाँ पर पानी में इसको मिक्स करना है और इस पानी को जो है दो दो घंटे में पीते रहना है। जैसे मैंने नींबू पानी का बताया, वैसे ही इसको भी दो दो घंटे पे पिलाते रहेंगे तो ब्लड प्रेशर का लेवल जो है बहुत जल्दी जो है कम होने लगता है। इसके बाद से हमारी जो नेक्स्ट रेमेडी है उसको भी देख लेते हैं। इसके लिए हमें तीन चीजें चाहिए होंगी और तीनों ही चीजें हम लेंगे एकदम सेम अमाउंट में लेंगे और तीनों चीजों का हमें पाउडर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे एक चम्मच चीनी। जी हाँ, अगर कोई आपके साथ जो है जिसे आप बीपी के दवा दे रहे हैं उनको शुगर है तो फिर इस जगह पर आप चीनी को स्किप कर सकते हैं या फिर थोड़ी सी मिश्री का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चम्मच चीनी लिया है मैंने, एक ही चम्मच जीरा लिया है, साथ ही उसी चम्मच से मेजर करके हमने एक चम्मच सौंफ ली है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों चीजों को मिलाएंगे, मिक्सी में इसका बना देंगे बढ़िया सा पाउडर, अच्छे से इसका पाउडर बनाएंगे और फिर लेंगे एक गिलास पानी। एक गिलास पानी में इस पाउडर को घोल कर सुबह शाम पेशेंट को देंगे, यानी कि जो हाई बीपी का पेशेंट है उसको हम सुबह शाम एक एक चम्मच घोल कर पानी में मिलाकर ये पानी पीने को देंगे। ये पानी जादू की तरह वर्क करता है ब्लड प्रेशर के पेशेंट पर, हमारे खून को पतला करता है, साथ ही जो है बॉडी को बहुत ही रिलैक्स फील कराता है। तो बीपी पेशेंट के लिए ये दवा बहुत ही ज्यादा कारगर है। इसके अलावा अगर किसी का रक्तचाप बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है दोस्तों, तो लाल मिर्च का जो सेवन होता है, चाहे आप इसे पाउडर फॉर्म में यूज करें या फिर आप साबुत लाल मिर्च का तड़का लगा सकते हैं सब्जी में, या फिर लाल मिर्च को भून कर फ्रेश लाल मिर्च को भी आप खाने में दे सकते हैं। लाल मिर्च के सेवन से जो नसें होती हैं और जो हमारे ब्लड वाहिकाएं होती हैं, यानी कि रक्त वाहिकाएं होती हैं, वो चौड़ी हो जाती हैं, जिससे जो ब्लड का फ्लो होता है वो बहुत ही सही हो जाता है, बॉडी में एकदम सहज हो जाता है और उससे क्या होता है कि रक्तचाप एकदम नीचे आ जाता है। तो ये लाल मिर्च का जो है, ऐसा नहीं है कि आप लाल मिर्च बहुत ज़्यादा खाने में परोस दीजिए, एक रेगुलर अमाउंट में लेकर डेली जो है खाने में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज होती है जो हमारे किचन में अवेलेबल होती है वो होती है गाजर। गाजर और पालक हर सीजन में लगभग लगभग मिल जाती है, तो गाजर और पालक को हम क्या करेंगे, सेम क्वांटिटी में मिलाएंगे। अगर हमने एक बंच पालक लिया है तो उतना ही हम गाजर ले लेंगे, 4 से 5, और दोनों को मिलाकर अच्छे से इसका जूस निकाल लेंगे। तो जूस निकालने के बाद आप इसे छानने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही जो बीपी का पेशेंट है उसे आप पीने को दे सकते हैं। गाजर और पालक में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा होती है, हमारे ब्लड फ्लो को भी कम करते हैं, बॉडी में जाकर जो ब्लड सेल्स होते हैं और जो ब्लड हमारे जमने का प्रोसेस होता है उसको भी बहुत ज्यादा कम करते हैं। इससे जो होता है बीपी के क्योरिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो घर में रहकर इन छोटे छोटे चीजों से हम अपने बीपी को बहुत ज्यादा क्योर कर सकते हैं। हर घर में आजकल के डेट में बीपी के पेशेंट बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आई होप आपके बहुत ज्यादा काम की है, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा, क्या पता आपकी वीडियो के एक शेयरिंग से किसी की हेल्प हो सके। फिर मिलते हैं दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।